मैं राजेश और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के जनपद पंचायत मानपुर अंतर्गत ग्राम बिजौरी में आरोपियों द्वारा महिला का रास्ता रोक कर छेड़खानी करने का मामला सामने आया है। जिले के थाना मानपुर क्षेत्र ग्राम बिजौरा निवासी महिला अपने परिवार के साथ मेला देखकर आ रही थी। उसी दौरान महिला का रास्ता रोककर आरोपी पिंटू एवं पुष्पेंद्र और उसके साथ कुछ ग्रामीण महिला को गाली गलौज करते हुए अपने बोलेरो वाहन में जबरन बैठाने लगे। वहीं महिला की चीख पुकार सुनकर महिला के परिजन दौड़ पड़े, लेकिन शोर शराब सुनते ही आरोपी युवक मौके से फरार हो गए। पीड़ित महिला ने संबंधित थाने में आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई थी, जिसके कारण आरोपियों के हौसले और भी बुलंद हो गए हैं। पीड़ित महिला अपने परिजनों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में न्याय पाने की आस लगाए हुए है, शिकायत पत्र दाखिल किया है और आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं जिले के थाना नौरजाबाद क्षेत्र के ग्राम कटौटिया निवासी आदिवासी महिला पर स्थानीय आरोपियों ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जहां ग्रामीण महिला घायल हो गई। वहीं घायल महिला ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं दोनों मामलों को गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरडी प्रजापति ने शिकायतकर्ता महिलाओं को आरोपियों पर जल्द कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। मेला थी आ रहे थे शायद, तो दो आदमी आए आगे, कुछ पिंटू और कुछ पिंट, तो आकर हमसे बोल कह बैठो मादर चुप, चलो गाड़ी में बैठा, चलो हम पहुंच जाएंगे। तो हम कहे नहीं जाएंगे, तो फिर फोन लगा के तीन आदमी क्या और बुलाए हैं, अब्बू अतुल और सत्यमान बिलोरो माँ। तो फिर जब बैठा रहे थे उठपटांग गाड़ी देकर बैठा रहे थे, हमारे बाँह पकड़ के, हमारे साथ में एक बच्ची थी, फिर वो बच्ची रोने चिल्लाने लगी। तो फिर हमारे दीदी लोग आए थे, जेठानी, फिर उन लोग आए थे, तब फिर उनके से छोड़ के भाग गए। शिकायत लेकर हम इस पी साहब के पास आए हैं। पत्नी के साथ घटना हुआ है, छेड़छाड़ करते थे ये लोग, बांह पकड़ के पिंटू पुष्पेन और सत्यम, ये लोग जबरदस्ती ने गाड़ी में बैठाते, बुलोरो गाड़ी में बैठाते थे, लेके हम एस पी साहब के पास आए। हमारी बहन बेटियां बच्चियां, चाहे वो युवतियाँ हों या महिलाएँ हों, वो सुरक्षित नहीं। आज दिन उनके साथ छेड़खानी और बलात्कार जैसी घटनाएं होती आई हैं। बलात्कार की घटनाओं में कुछ हद तक कमी धीरे धीरे लाई जा सकती है, इसके लिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हालांकि सरकार ने समय समय पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत सारे कानून बनाए हैं, भारतीय संविधान में कुछ संशोधन भी किए हैं और कड़ी सजा देने का भी प्रावधान किया है, लेकिन मेरा ये मानना है कि सिर्फ कानून बना देने से ही इस समस्या का समाधान नहीं होगा। यही अभी मानपुर में क्षेत्र में महिला के साथ जो घटना घटी है, छेड़खानी की घटना घटी है, उसके लिए मैं प्रशासन से और पुलिस प्रशासन से ये आग्रह करूँगा कि वो उस पर त्वरित कार्रवाई करें और जो दोषी हैं दोषियों के ऊपर उसको गिरफ्तार किया जाए, उनके ऊपर और जल्द से जल्द कार्रवाई करें, क्योंकि ये भी ज़रूरी है कि अगर महिला के साथ कोई घटना घटती है और सूचना आती है तो उस पर पुलिस को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। त्वरित कार्रवाई करने से जो अपराधी हैं, जो छेड़खानी करने वाले लोग हैं, उनमें एक दहशत और भय का माहौल बनेगा और वो दोबारा उस अपराध की पुनरावृत्ति करने नहीं करेंगे, और जब पुलिस त्वरित कार्रवाई करेगी, शीघ्र कार्रवाई करेगी, तो अपराधी किसी भी अपराध की पुनरावृत्ति करने में 100 बार सोचेगा, घबराएगा, और अपराध को रोकना भी हमारे प्रशासन और पुलिस की जिम्मेदारी है। के अंतर्गत एक महिला अभी आई थी और एक शिकायती आवेदन पत्र दिया है, उस संबंध में हमने जांच के लिए थाना प्रभारी को निर्देशित किया है, जांच के बाद जैसी स्थिति होगी वैसी कार्रवाई करेंगे। पेशा उमरिया से शंकर सिंह चंदल की खास रिपोर्ट।